नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप सेलर हैं अमेज़ॉन पे और आप चाहते हैं आपका अकाउंट मैनेज हो तो आपको किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। इस वीडियो में हम उसी बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट को कैसे सस्पेंड होने से बचा सकते हैं और कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं आपके अकाउंट को सेफ रखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अमेज़ॉन में ऐसे कुछ पॉलिसीज हैं, ऐसे कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है, जिनको आपको मेंटेन करके रखना है। और अगर उनको आप मेंटेन करके रखते हैं तो आपका अकाउंट हेल्थ एकदम नॉर्मल रहेगा, आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा, डीएक्टिव नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन में टोटल ऐसे 5 स्टेप्स है, 5 ऐसी पॉलिसीज है, वी कैन से ऐसे 5 ऐसे क्राइटेरिया जिनको आपको मेंटेन करके रखना है, जिसको मेंटेन करने से आपका अकाउंट नॉर्मल रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है प्रोडक्ट पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या होता है एग्जैक्टली, जो आप अगर आपके अकाउंट हेल्थ में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 5 ऐसे स्टेप दिखाई देंगे जिनको आपको मेंटेन करके रखना है। उसमें से फर्स्ट है प्रोडक्ट पॉलिसी कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि इसमें टोटल ऐसे 7 to 8 ऐसे कंप्लेंट्स है जिसको आपको ऑलमोस्ट जीरो रखना है। मीन्स कैसा होता है कि उसमें टोटल ऐसे 5 ऐसे लिस्ट है जिसमें आपको कंप्लेंट नहीं आना चाहिए। उसमें टोटल इसमें मैं आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट ऑथेंटिसिटी, प्रोडक्ट कस्टमर की कंप्लेंट, ऐसे करके टोटल 6 to 7 है। मैं अपने अगले वीडियो में ये सब कवर कर दूंगा। अभी के लिए मैं आपको शॉर्टली बता दूँ कि जो ये फर्स्ट है प्रोडक्ट पॉलिसी कंप्लाइंस, ये बहुत ही मैटर करता है। अगर इनमें आपको अगर कंप्लेंट्स मिलती है तो आपका अकाउंट डीएक्टिव और सस्पेंड होने के चांसेस है। सेकंड जो है वो है कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस। कस्टमर सर्विस परफॉर्मेंस में क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है कस्टमर तक कितना डिफेक्टिव पहुंचता है, इसमें एक लिमिट रहती है 1%। आपका जो प्रोडक्ट का डिफेक्टिव रेट है वो बिलो 1% होना चाहिए। अगर आपका प्रोडक्ट का डिफेक्टिव रेट बिलो 1% है तो समझिए आपका अकाउंट नॉर्मल है। ये था सेकेंड वन जिसको आपको मेंटेन करके रखना है। थर्ड वन है शिपिंग परफॉर्मेंस। अभी इसमें क्या होता है, शिपिंग परफॉर्मेंस भी उतना ही मैटर करता है कि जितने की बाकी। इसमें होता ये है कि आपको जो आपके प्रोडक्ट की पैकेजिंग है, डिलीवरी है, ऑन टाइम होनी चाहिए। इसको एक्चुअली कहते हैं लेट डिस्पैच रेट, यानी कि LDR। इसके ऊपर भी मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगा, इसे आप कैसे मेंटेन करें। तो LDR कैसे आपके अकाउंट को, हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है। अगर इसमें उन्होंने एक लिमिट दी है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट और अपने पैकेजिंग डिलीवरी को आपको 4% से बिलो रखना है, यानी कि 4% की उन्होंने लिमिट दिए हुए है। आप जितने भी पैकेज डिलीवर करती है 7 days में और 30 days में, उसमें आपके जितने भी प्रोडक्ट हैं, समझो 500 हैं, तो उसमें से अगर समझिए 10% मीन्स 50, तो आपको अराउंड 4 to 5, यानी कि ऑलमोस्ट 10 से 12 तक आपके अगर समझो पैकेज डिलीवरी लेट होते तो अराउंड आपको 4% तक आपका लेट डिस्पैच रेट बढ़ सकता है। लेकिन 4% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे 4% के ऊपर जाएगा आपको वार्निंग नोटिस चालू हो जाएगा, उनका नोटिफिकेशन आएगा। तो लेट डिस्पैच रेट भी बहुत मायने रखता है। तो आपको इसको मेंटेन करके रखना है कि जितने भी आप पैकेजेज है ऑन डिलीवरी कर दे जो आपको डेट दिया गया है शिपिंग से पहले। तो लेट डिस्पैच रेट शिपिंग चार्ज भी उतना मैटर करता है जितनी की अदर चीज़ें। नेक्स्ट वन है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। इसमें क्या होता है, चौथा है प्री फुलफिलमेंट कैंसिल रेट। इसमें होता ये है कि समझो आपको कुछ ऑर्डर आए हैं और किसी वजह से वो प्रोडक्ट आपके पास डैमेज हो गया है, आपके पास नहीं है, आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, तो और ऑन टाइम पे आपको नहीं मिल पा रहा है उसका, समझो आप जहाँ से बाय करते हैं उनके पास भी इन्वेंट्री नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। क्या होता है कि किसी वजह से वो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है और आप उसे शिप नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते। इवन आपको ऑर्डर मिल गया है बट वो किसी वजह से डैमेज हो गया है, किसी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, उस पैकेज को आप सेंड नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या करेंगे, आप ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी उन्होंने लिमिट दिया, ये लिमिट है 2.5 से आपका ऊपर नहीं होना चाहिए आपका कैंसिलेशन रेट। अगर आपका अकाउंट में 2.5 से प्रोडक्ट कैंसिलेशन ज़्यादा होता है तो आपका अकाउंट डीएक्टिव या सस्पेंड हो सकता है। उन्होंने लिमिट दे रखा है 2.5 का, आप 2.5% यानी कि इस लिमिट तक किसी मेजर रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से, किसी बहुत इशू, इन्वेंट्री प्रॉब्लम, प्राइसिंग प्रॉब्लम हो सकता है, किसी कारण की वजह से आप अपने प्रोडक्ट को शिप नहीं कर पा रहे, तो आप उसे कैंसिलेशन 2.5 तक आप मेंटेन करके रख सकते हैं। इससे आपके अकाउंट हेल्थ मेंटेन हो जाएगी। लास्ट में बता दो, पांचवा है वैलिड ट्रैकिंग रेट।
आप अपने प्रोडक्ट को कितना फास्ट डिलीवर करते हैं, कितना जल्दी डिलीवर करता है, ये इस वैलिड ट्रैकिंग डेट में आपका मेजर होता है। आपको एवरी 10 to 30 days में आपको बताएगा कि आपका वैलिड ट्रैकिंग डेट कितना है। जहाँ तक हो सके 90% के ऊपर होना चाहिए तो आपका अकाउंट बहुत ही वैल्यू है, बहुत वैल्यूबल है। मेरा भी अकाउंट ऑलमोस्ट 90% के ऊपर रहता है। मैं अपने सारे पैकेजेस ऑन टाइम डिलीवर करने की हमेशा कोशिश करता हूँ। तो ये थे 5 ऐसे टिप्स जिससे आप अपने अकाउंट को बेहतरीन तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इन अगर अकाउंट्स को अच्छे से हैंडल करते हैं तो आपका अकाउंट लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहेगा, डीएक्टिव होने के चांसेस कम है और आपका सस्पेंड भी नहीं होगा। इन 5 अकाउंट सस्पेंड जो मैंने बताया, सस्पेंड नहीं होने के लिए आपको इन 5 क्राइटेरिया, इन 5 चीज़ों को मेंटेन करके रखना है। बहुत सिंपल है, आप अपने प्रोडक्ट को सही टाइम पर शिप करें, करेक्ट इन्फॉर्मेशन रखें तो आपका अकाउंट ऑलवेज सेफ रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन दबा दें। मैं ऐसे ही वैल्यूबल वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और फाइनली थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।